वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश विद दीपक पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम ऊपर देखेंगे और जबरदस्त और कमाल का स्पेशल स्ट्रक्चर जिसका नाम है आफ्टर ऑल को हम लोग एक फ्रेज की तरह यूज करते हैं और इसका यूज हम लोग डेली लाइफ में बहुत करते हैं। तो चलिए पूरी डिटेल में देखते हैं कि आफ्टर ऑल का यूज हम लोग डेली लाइफ में कैसे करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साइड में एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम लोग का वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं कि आफ्टर ऑल का यूज किस तरह से करते हैं और आफ्टर ऑल में सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं। ओके, यस, आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल का हिंदी होता है आखिरकार। आखिरकार इसको हम लोग एक फ्रेज की तरह यूज करते हैं, बहुत ही कमाल का स्पेशल स्ट्रक्चर है। आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार, क्लियर है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा हम लोग का आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल आएगा, आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल एक टुकड़ा होगा इसलिए कॉमा डालेंगे। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लोग डालेंगे वर्ब, वर्ब में हम लोग डालेंगे इज, एम, आर, और उसके बाद जो आएगा वो आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, क्लियर है। तो ये हम लोग का आफ्टर ऑल का स्ट्रक्चर है यानी फॉर्मूला है। पहले आएगा आफ्टर ऑल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब इज, एम, आर, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, क्लियर है। किस तरह से सेंटेंस में, जैसे आखिरकार, आखिरकार तुम मेरे दोस्त हो, आखिरकार मैं आप लोग का टीचर हूँ, तो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं आफ्टर ऑल का। बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, आपने टीवी भी कभी भी टीवी में देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा यूज़ आफ्टर ऑल यू आर अ सर्वेंट, इस तरह से बहुत बार बोलता है, बोलते ना, क्लियर है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि आफ्टर ऑल में सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं, हम लोग स्ट्रक्चर देख लिए। चलिए, आखिरकार मैं आप लोग का टीचर हूँ, उसी को बनाते हैं आफ्टर ऑल। After all, I'm your teacher. I'm your teacher. After all, he is my friend. He is my friend. आखिरकार वो मेरा दोस्त है। After all, he is my friend. After all, you are my brother. After all, he is my brother. After all, you are my neighbor. After all, he is a doctor. After all, I am a painter. After all, you are a servant. मतलब आखिरकार तुम एक नौकर हो। After all, you are a servant. After all, they are beggars. आखिरकार वे लोग भिखारी है। तो इसका यूज हम लोग इस तरह से करते हैं डेली लाइफ में, बहुत ही जबरदस्त यूज करते हैं। तो आफ्टर ऑल हम लोग लगा देंगे, उसके बाद जो भी सेंटेंस रहेगा, जो भी सेंटेंस रहेगा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। आफ्टर ऑल ही इज अ डॉक्टर, आफ्टर ऑल सी इज माई वाइफ, आफ्टर ऑल दे आर माई स्टूडेंट्स, आफ्टर ऑल आई एम योर फादर, आफ्टर ऑल ही इज माई फ्रेंड। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं आफ्टर ऑल का डेली लाइफ में, जो कि बहुत यूज होता है। आप लोग को अभी जो भी बोलना होगा इजीली बोल सकते हैं आफ्टर ऑल में। आफ्टर ऑल यू आर आवर व्यूअर्स, आफ्टर ऑल ही इज माय फ्रेंड, आफ्टर ऑल सी इज अ नर्स, आफ्टर ऑल ही इज अ बेगर, आफ्टर ऑल ही इज अ फर्स्ट मैन। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे सेंटेंस बना सकते हैं आफ्टर ऑल में और हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। बहुत ही कमाल का स्पेशल स्ट्रक्चर है, इसका यूज आप इजीली डेली लाइफ में कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग यूज करेंगे आफ्टर ऑल का, देख लिए। चलिए अभी हम लोग समझते हैं कि एमपीसी क्या होता है और एमपीसी को पूरे डिटेल में समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि एमपीसी कैसे करते हैं। एमपीसी, व्हाट इज एमपीसी, यानी एमपीसी है क्या और इसका यूज, यानी इसका यूज नहीं, इसको प्रैक्टिस कैसे करते हैं। एमपीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अगर कर लेंगे तो इसके बाद आपको अंग्रेजी बोलने से यानी इंग्लिश बोलने से कोई रोक नहीं सकता। नो वन कैन स्टॉप यू टू स्पीक इंग्लिश। अब हम लोग एमपीसी, एमपीसी, एमपीसी का होता है मास्टर प्रैक्टिस चार्ट, मास्टर प्रैक्टिस चार्ट, प्रैक्टिस चार्ट, मास्टर प्रैक्टिस चार्ट, मास्टर प्रैक्टिस चार्ट, क्लियर है। अब देखिए हम लोग एक चीज का बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट
तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग एमपीसी किस तरह से करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीटली आना चाहिए। सिंपल प्रेजेंट्स, तो अगर आपने हमारे टेंस का वीडियोस नहीं देखा तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में एमपीसी किस तरह से करते हैं वो बता रहे हैं, यानी मास्टर प्रैक्टिस चार्ट। इसको करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा एकदम फ्रंट द लाइक ए नेटिव स्पीकर। यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश लाइक अ नेटिव स्पीकर। क्लियर है? अब देखिए इसका हम लोग का क्या होगा स्ट्रक्चर। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे आता है वर्ब वन या वर्ब फाइव, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये हम लोग का क्या है, फॉर्मूला है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। कैसे, अब देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट लेने के बाद हम लोग वर्ब लेंगे, और वर्ब लेने के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट लेंगे, वर्ब लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे, यानी सब्जेक्ट लेंगे फिर वर्ब लेंगे फिर ऑब्जेक्ट लेंगे। क्लियर है? देखिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं आई, यू, ही, सी, दे, राम, ठीक है। इतने सारे सब्जेक्ट लिए, और भी बहुत सारे ले सकते, बस एग्जांपल। तो इतने सारे सब्जेक्ट लिए अब वर्ब लेते हैं, वर्ब वन या वर्ब फाइव। प्ले लेते हैं, प्ले, प्ले, प्लेज, प्ले या प्लेज, एक ही वर्ब लेते हैं। क्लियर है? प्ले या प्लेज, क्योंकि ही सी इट या कोई नाम आएगा तो हम लोग वर्ब फाइव का यूज करेंगे, और अगर आई यू वी दे आएगा या प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो हम लोग वर्ब वन का यूज करेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेते हैं, क्या क्या प्ले कर सकते हैं, फुटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, गेम, कैरम, कैरम, बैडमिंटन, बैडमिंटन। क्लियर है? अब हम लोग को एमपीसी रेडी है, किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट में वर्ब भी बहुत सारा हम लोग डाल सकते हैं, उसके बाद वर्ब लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेंगे। अब इसको स्पीकिंग करना है, यानी एमपीसी करना है, मास्टर प्रैक्टिस चार्ट। कैसे बोलना है चलिए देखते हैं। क्या है, हम लोग को आई है, तो आई में हम लोग सब सेंटेंस को बोलेंगे। कैसे होगा, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले हॉकी, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले गेम, आई प्ले कैरम, आई प्ले बैडमिंटन, हो गया। अब हम लोग को यू में बोलना है, यू, यू प्ले फुटबॉल, यू प्ले हॉकी, यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले गेम, यू प्ले कैरम, यू प्ले बैडमिंटन। उसके बाद क्या, ही, तो ही के साथ हम लोग का प्लेज हो जाएगा, ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज हॉकी, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज गेम, ही प्लेज कैरम, ही प्लेज बैडमिंटन। अब हम लोग सी में बोलेंगे, सी प्लेज फुटबॉल, सी प्लेज हॉकी, सी प्लेज क्रिकेट, सी प्लेज गेम, सी प्लेज कैरम, सी प्लेज बैडमिंटन। उसके बाद क्या है, दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले हॉकी, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले गेम, दे प्ले कैरम, दे प्ले बैडमिंटन। उसके बाद क्या है, राम, राम प्लेज फुटबॉल, राम प्लेज हॉकी, राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज गेम, राम प्लेज कैरम, राम प्लेज बैडमिंटन। वी प्ले फुटबॉल, वी प्ले हॉकी, वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले गेम, वी प्ले कैरम, वी प्ले बैडमिंटन। क्लियर है? तो इस तरह से लेना हो आपको डेली, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, आधा घंटा हो, 20 मिनट, जितना हो सके बस आपको डेली करना, डेली यानी डेली एमपीसी करना, भले ही आप 5 मिनट करें या 10 मिनट करें, लेकिन डेली करना। ये चीज़ आप 6 महीना तक कर दीजिए, गारंटीड है आपका जो इंग्लिश उसमें फ्लुएंसी आ जाएगी, एकदम कमाल का स्पीकिंग होगा, एकदम नेटिव स्पीकर जैसा बोलेंगे। कुछ भी नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस यूनिवर्स इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ। हम लोग एक लैंग्वेज नहीं सीख सकते, एक आदमी दशरथ मांझी द माउंटेन मैन, अकेले पहाड़, दशरथ मांझी अकेले पहाड़ तोड़ दिया 55 किलोमीटर का। जब सोचिए, जब वो अकेले पहाड़ तोड़ सकता है, हम लोग एक लैंग्वेज नहीं सीख सकते क्या? लैंग्वेज, इट्स नथिंग, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज इजीली सीख सकते, बस देखिए टेक्निक इज इंपॉर्टेंट, टेक्निक। और हम लोग तो एकदम जड़ पे काम करते, बस ये 6 महीना तक कीजिए, डेली 20 मिनट कीजिए, आधा घंटा, जितना ज्यादा टाइम होगा उतना कीजिए, स्पीकिंग आपका कंप्लीटली आ जाएगा, एकदम नेटिव स्पीकर के जैसा
इंग्लिश बोल पाएंगे। क्लियर है? आप पॉजिटिव हो गया। अभी हम लोग को नेगेटिव बोलना तो नेगेटिव कर सकते हैं, सवाल बोलना है सवाल कर सकते हैं, क्वेश्चन नेगेटिव करना क्वेश्चन नेगेटिव, हर टेंस का इस तरह से बनाएंगे और हम बेसिक करेंगे। एक एक चीज को सीखेंगे। देखिए थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं और हम लोग इंग्लिश सीखने चाह रहे हैं, मतलब इंग्लिश सीखने जा रहे हैं, तो थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करो, यानी स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा करना होगा, अपने ऊपर काम थोड़ा ज़्यादा करना, प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा करना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू परफेक्ट। तो ये हो गया एमपीएस, इसको कहते हैं मास्टर प्रैक्टिस चार्ट। इसको करने के बाद गारंटीड आपको स्पीकिंग आएगी, यानी गारंटीड आप मतलब फ्राटेदार इंग्लिश बोल पाएंगे बिना रुके कंप्लीटली स्पीक कर सकते, अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसको कहते हैं एमपीसी मास्टर प्रैक्टिस चार्ट। कहीं भी कर सकते हैं, घर में कीजिए, पेड़ के नीचे कीजिए, कहीं भी कीजिए, लेकिन कीजिए। आई एम 100% श्योर दैट इफ़ यू डू दिस ऑफ रेगुलर 6 months, नॉट 3 months, कंप्लीटली एंड रेगुलरली, डेफिनेटली वन डे यू विल स्पीक इंग्लिश लाइक ए नेटिव स्पीकर। इट्स माई गारंटी टू यू। सो विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। Just stay connected with us and improve your spoken English with I will help you. Definitely. This is our mission. We will help you. What you want to do, what you want to achieve in your life. Thank you so much for watching our videos. Please subscribe our channel and please like this video. Thank you so much for watching. Thank you. Bye.